दुनिया के वो देश जहां महीनों नहीं होती रात, जहां सोने के लिए नहीं किया जाता रात का इंतजार। कभी ना कभी आप लोग ये जरूर सोचते होंगे कि अगर सूरज ना अस्त होता तो कितना अच्छा होता, मगर सूरज के आगे किसकी चलती है, वो अपनी मर्जी से निकलता और अपनी मर्जी से अस्त होता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह जरूर हैं जहां सूरज अस्त नहीं होता है, वहां रात नहीं होती है। वैसे तो दिन के बाद रात और रात के अंधेरे के बाद दिन का उजाला होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या आप ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं जहां कभी सूर्य अस्त नहीं होता? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सूर्य अस्त ना हो। हम आपको बता रहे हैं ऐसे देश जहां सूर्य को कभी नहीं अस्त होना पड़ता है, या यूं कहें कि वहां कभी रात ही नहीं होती। अलास्का। ये आइलैंड कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने इसे रूस से खरीद लिया था। इसे खूबसूरत ग्लेशियर्स का देश भी कहा जाता है। यहाँ की कई जगहों पर मई से जुलाई के बीच सूरज नहीं डूबता, यानी यहाँ पर कुछ समय के लिए भी रात नहीं होती है। यहाँ रात को करीब 7:30 बजे सूर्य अस्त होता है, लेकिन ठीक 51 मिनट बाद फिर से सूर्योदय हो जाता है। फिनलैंड। फिनलैंड में दिन और रात का चक्कर बहुतों को चक्कर में डाल देता है। यहाँ कुछ इलाकों में 23 घंटे सूरज उगता है और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ 51 दिन तक लगातार रात रहती है। फिनलैंड के बारे में कई और ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। यहाँ मई से अगस्त के महीने में सूर्यास्त नहीं होता है। यहाँ रात के वक्त भी सूरज आसमान में चमकता रहता है, बस उसका रंग संतरी हो जाता है। दिसंबर जनवरी के महीने में फिनलैंड के कई इलाकों में सूरज नहीं उगता है। हजारों झीलें और आइलैंड से सजा हुआ ये देश काफी सुंदर और आकर्षक है। गर्मी के मौसम में यहाँ करीब 73 दिनों तक सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है। घूमने के लिहाज से भी ये देश काफी अच्छा है। नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। इस देश में मई से जुलाई तक लगभग 76 दिन सूरज नहीं डूबता है। इसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। अगर आप लंबे समय तक रोशनी का आनंद उठाना चाहते हैं तो इस दौरान इस देश की सैर कर सकते हैं। कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश जो अरसे तक बर्फ से ढका रहता है। कनाडा एक रंग बिरंगा देश है। यहाँ का टूरिज्म भी दूसरे देशों से बेहतर माना जाता है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं। कनाडा में भी रात का अंधेरा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में गर्मी के दिनों में 50 दिनों तक सूरज लगातार चमकता रहता है, लेकिन ऐसा कनाडा के कुछ ही हिस्सों में होता है। स्वीडन। बाकी देशों के मुकाबले स्वीडन में तो करीब 100 दिनों तक सूर्य अस्त नहीं होता है। यहाँ मई से अगस्त तक सूरज नहीं डूबता और अगर ढलता भी है तो आधी रात को और फिर सुबह 4:30 बजे दोबारा से निकल आता है। आइसलैंड। ग्रेट ब्रिटेन के बाद ये यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ आप रात में भी सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ 10 मई से जुलाई के अंत तक सूरज नहीं डूबता है। ये एक बेहद ही ठंडा इलाका है। जून और जुलाई के महीने में यहाँ पर सूर्य 24 घंटे आसमान में रहता है। इसका मतलब है कि इन महीनों में यहाँ पर रात होती ही नहीं है। लोगों को इस समय का इंतजार रहता है क्योंकि उनका कहना है कि इस दौरान गोल्फ खेलने का अपना अलग ही मजा होता है।